गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने इस स्लोगन को हर जगह चिपका हुआ देखा होगा। फिल्म के सीन से लेकर सड़क किनारे बंधे बड़े बड़े बैनर्स में भी माइनर्स के लिए स्मोकिंग करना बिल्कुल प्रतिबंधित है, फिर भी दिल्ली के बच्चे शहर की जहरीली हवा में सांस लेकर प्रतिदिन हर 10 सिगरेट पीने के बराबर जहरीला हवा अपने शरीर में ले रहे। कुछ रिपोर्ट में पाया गया है कि शहर की हवा में हाई पॉल्यूशन के कारण औसतन प्रत्येक दिल्ली निवासी एक महीने में लगभग 340 सिगरेट पीने के बराबर जहरीली हवा अपने शरीर में लेते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कुछ दूर करने के लिए दिल्ली सरकार कम से कम बिजली या पानी फ्री देने की जगह पर दिल्ली के हर नागरिक को एक एयर प्योरीफायर दे दे तो दिल्ली का नागरिक अपने घर पर तो कम से कम एक शुद्ध हवा ले सकता है। तो चलिए जानते हैं एयर प्योरीफायर के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। जैसे कि इतिहास में बताया गया है कि एयर प्योरीफायर 18वीं शताब्दी से है। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चरम पर होने के साथ साथ इकोनॉमी फलफूल रही थी। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कई सारे लोगों को नौकरियां मिल रही थी। इसी सेंचुरी के दौरान कोयला बिजली का प्राइमरी सोर्स बन गया था। इसने ट्रेनों और मशीनों को प्रोवाइड की। हालांकि कोयले का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल चीज था, क्योंकि इंसानों को इसका इस्तेमाल करना एक बड़ी कीमत पे मिला। जो कीमत हमने चुकाई है वो कीमत है एयर पोल्यूशन के रूप में। इसलिए लोग आज एयर पोल्यूशन से संबंधित सिचुएशन से पीड़ित रहते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये लाइन कुछ वैज्ञानिकों पर एकदम परफेक्ट बैठती है। कोयले का इस्तेमाल की वजह से हवा प्रदूषण हो रही थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने हवा को शुद्ध करने के लिए एक जरूरी तरीका खोजने का निर्णय किया, और इसी के चलते एयर प्योरीफायर का आविष्कार करने का रास्ता खुल गया था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिरकार एयर प्योरीफायर का इन्वेंशन किसने किया। एयर प्योरीफायर बनाने में इंसानों को पहली सफलता 1823 में मिली थी, जब जॉन डीम और चार्ल्स डीन नाम के दो भाई इन्वेंटर ने पहली बार एक एयर प्योरीफायर सिस्टम के साथ सामने आए थे। इन दोनों भाइयों का इस इन्वेंशन के पीछे की मकसद फायर फाइटर को हेल्प करना था, क्योंकि उस वक्त एक जलती हुई आग में हवा और कई सारे अलग अलग एलिमेंट रहते थे, जिसकी वजह से फायर फाइटर को एक आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसीलिए जॉन डीन और चार्ल्स डीन इन दोनों इन्वेंटर ने स्मार्ट हेलमेट को अपने नाम पेटेंट करवाया। ये पहली चीज थी शायद जो हवा और या किसी धुएं को प्यूरिफाई करने के लिए बनाई गई हो। इन्वेंशन के वर्षों बाद 1854 में जॉन स्टेनहाउस ने केमिकल और गैस को फिल्टर करने के लिए चारकोल फिल्टर टेक्निक को जोड़कर एयर प्योरीफायर में और सुधार किया। जॉन स्टेनहाउस ने चारकोल फिल्टर का इन्वेंट अपने पर्सनल यूज के लिए किया था। अब हम चलते हैं 1854 से 1940 में। इस वर्ष के दौरान साइंटिस्ट आर्थर डी लिटल हेपा लेकर आए। हेपा शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है हाई एफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये टेक्निक सैनिकों और वैज्ञानिकों लेबोरेटरी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बचने के लिए बनाई गई थी, और इसी टेक्नोलॉजी से बनाए हुए एयर प्योरीफायर दिल्ली में कुछ जगह पर लगाए हुए। लेकिन क्या आपको पता है ये हेपा को क्यों बनाया गया था? मैं बताता हूँ, हेपा को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इसी साइट पे न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए वैज्ञानिकों और सैनिकों के लिए ये हेपा एयर प्योरीफायर टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया गया था। स्टार्टिंग में हेपा एयर प्योरीफायर को घर के यूज के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये उस तरह का डिजाइन नहीं किया गया था। बाद में हेपा को घर को यूज करने के लिए इसको डिजाइन और अपग्रेडेशन किया गया, जिसकी वजह से हेपा एयर प्योरीफायर का नया वर्जन हॉस्पिटल और सैनिकों और लेबोरेटरी के कर्मचारियों के लिए हल्का और सुविधाजनक बनाया गया। आज आप जिस एयर प्योरीफायर को देख रहे हो या उसे यूज कर रहे हो, उसका इन्वेंट 1963 में किया गया था, जिसके इन्वेंटर थे मैनफ्रेड और क्लाउस हेम्स। आज 21st सेंचुरी में एयर प्योरीफायर मल्टी एयर फिल्टर के साथ आते हैं, और इसकी मदद से एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों को भी रोका जा सकता है, और इसे कई बार डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। आज कई सारे एयर फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी के साथ हेपा भी मोस्ट पॉपुलर और इफेक्टिव प्यूरीफायर है। एयर प्योरीफायर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।
एयर प्योरीफायर का एक लोता फैक्ट ये है कि इंसान अपनी आंखों से छोटा सा छोटा पार्टिकल 50 से 60 माइक्रोन की साइज का देख सकता है, जबकि हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन की साइज का पोल्यूटेंट कैप्चर कर सकता है। ये छोटा पार्टिकल इतना छोटा है कि इंसान अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकता। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।